ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट है मेरा गुरुत्व बल और दूसरा टॉपिक है हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण। तो आइए सबसे पहले गुरुत्व बल के बारे में जानते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है? वह बल जिसके द्वारा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र क्या लगाते हैं हम लोग? F बराबर कैपिटल G M E यानी मास ऑफ अर्थ एक पिंड हो गया, दूसरा एम एम यानी मास ऑफ मून दूसरा पिंड हो गया, अपॉन आर स्क्वायर यानी अर्थ और मून के बीच की दूरी। तो इसमें क्या होता है? ब्रह्मांड में स्थित इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परंतु उनकी बीच की दूरी के के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज इक्वल टू जी एम ई यानी मास ऑफ अर्थ, दूसरा पिंड हमने ले रखा है एम एम यानी मास ऑफ मून, अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार आता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि F बराबर जी एम ई एम एम अपॉन आर स्क्वायर का सत्यापन। देखिए हमने दो ब्रह्मांड में स्थित पिंड ले लिए हैं,
हमारा अर्थ है और ये हमारी एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ, एम एम मीन्स मास ऑफ मून, और इनके बीच की दूरी मैंने ये आर ले ली है। अब देखिए परिभाषा के हिसाब से सबसे पहली चीज क्या होती है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एम ई और एम एम। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ और एम एम मतलब मास ऑफ मून। दूसरा नियम क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F is inversely proportional to the 1 upon r square। ये मेरी इक्वेशन पहली है, ये मेरी इक्वेशन दूसरी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी समीकरण एक व दो से क्या लिख सकते हैं हम लोग, F proportional to m e m m upon आर स्क्वायर। देखिए ऐसा हमने क्यों लिख दिया, एफ दोनों में कॉमन था तो जो चीज एफ के बराबर में थी यानी प्रोपोर्शनल में थी वो ऊपर आ गई, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में थी वो नीचे आ गई। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम लोग कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। देखिए एफ यहाँ इक्वल टू का साइन हटा, यहाँ पे कैपिटल जी लग गया, एम ई एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जी मेरा क्या है, ये जो जी है मेरा ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो देखा आपने कि मैंने F बराबर जी एम ई इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर कैसे ला दिया, आपको ये प्रूवमेंट समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आगे मैं आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।